इस वीडियो में हम लोग मनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो रुपीज़ हम लोग कैसे लिखते हैं ये वाले सिंबल के साथ. तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 रुपीज़. ये बात ध्यान में रखना है कि 1 रुपी में 100 पैसे होता है. अभी तुम लोगों को ये पता है कि सबसे छोटा रुपया क्या है, 1 रुपया है, इससे कम नहीं होता है. लेकिन 1 रुपया में 100 पैसे होता है, जिसे 1 मिनट से भी एक छोटा यूनिट है ना, सेकेंड्स. तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो वैसे ही रुपी से छोटा यूनिट होता है मनी का पैसे. 1 रुपया में 100 पैसा होता है. तो इसको अब यहाँ तो 5 रुपीज़ लिखा हुआ था, लेकिन अगर रुपीज़ लिखा हुआ सपोज ऐसे 11.545, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग. इसको पढ़ेंगे 11 रुपीज़. इस डॉट को हम लोग एंड बोलेंगे, एंड पीछे वाला पैसे हो जाएगा. तो 45 पैसे, ये इसका पूरा नेम होगा, 11 रुपीज़ एंड 45 पैसे. तो डॉट के पीछे वाला जो रहता है वो पैसे रहता है, और सामने वाला जो रहता है वो रुपीज़ रहता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग देखते हैं कि उसका कॉस्ट होता है 79.50. तो इसका मतलब 79 रुपीज़ एंड 50 पैसे. शॉपकीपर लोग जनरली इसको राउंड ऑफ कर देता है, क्योंकि 50 पैसा बहुत कम वैल्यू है, 1 रुपया से भी कम है. तो वो लोग लास्ट में या तो इसको हटा देता है टोटल बिल में. तो अब हम लोग वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे. इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स ओनली. तो यहाँ लिखा है 55 रुपीज़ 25 पैसे. तो ये होगा रुपीज़ का साइन देंगे, फिर 55, पैसे के लिए डॉट देना होगा, डॉट 25. अब यहाँ पर इसी तरह से ये सब करना है, लेकिन अब डी में सिर्फ रुपीज़ है, पैसे है ही नहीं. तो सिर्फ रुपीज़ लिखेंगे, डॉट देकर कुछ नहीं लिखना होगा. अब ई और एफ जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ पैसे लिखा हुआ है. तो 85 पैसे, इसका मतलब रुपीज़ तो सामने है ही नहीं, तो रुपीज़ का साइन देंगे और 0 लिख देंगे, फिर डॉट 85 पैसे के लिए. ठीक उसी तरह से एफ में रुपीज़ है ही नहीं, तो 0 डॉट 5 पैसे है ना, तो 0.5 मत लिखना, क्योंकि ये 50 बन जाएगा. 5 को हम लोगों को पीछे लिखना होगा, तो 0.5, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि रुपीज़ के बाद 2 ब्लैंक है. तो अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो वो 50 बन जाएगा, इसीलिए 0.5 लिखना हुआ. उसी तरह से अगर रहता 3 पैसे, तो रुपीज़ नहीं है तो 0.3 है ना, तो 0.3 लिखेंगे. और अगर 30 पैसे होता तो 0.30 लिखते. तो इसी तरह से ये कंप्लीट करना है. 2 पैसे है ना, तो ध्यान रखना कि कैसे लिखना है. अब इसमें रिवर्स करना है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स. जैसे ये क्या हो जाएगा, 0.8 है, तो इसका, और रुपीज़ है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा 8 पैसे. इसमें पैसे है ही नहीं, तो लिखेंगे 98 रुपीज़. फिर इन सब में सोचो क्या लिखेंगे. तो इस तरह से वर्कशीट 1 कंप्लीट करना. अब वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे. वर्कशीट 2 काफ़ी इजी है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना. तो काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले हम बताए थे कि 1 रुपी में 100 पैसे होता है. तो 5 रुपीज़ में कितना पैसा होगा, 5 × 100, 1 के लिए जो आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 पैसे. तो बेसिकली हम लोग क्या समझे कि रुपी को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर देते हैं. तो इसलिए ये वर्कशीट तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं.
देखो सब रुपीज़ है, सबको पैसे में कन्वर्ट करना है। सपोज ये 75 रुपीज़। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं वर्कशीट टू का, 75 रुपीज़। इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 75 × 100। जब 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो रुपीज़ के बदले पैसे लिख देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करके तो देखने का ज़रूरत है नहीं, पीछे में 2 ज़ीरो लगा देंगे हम, तो इसीलिए ये सारा कैलकुलेट करने का देखने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि 10, 100, 1000 ये सबसे मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। 2 ज़ीरो था, 2 ज़ीरो लगा दिए। तो इसी तरह से वर्कशीट टू भी कंप्लीट करना है, सब में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है, सारा मल्टीप्लिकेशन ओरली होना चाहिए। सो इस वीडियो के हेल्प से वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट करना है।